अस्सलाम वालेकुम। आज मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ नींद की गोलियों के बारे में। नींद की गोलियों की लत कैसे पड़ जाती है, इसके चंगुल में लोग कैसे फंसते हैं और इसे कैसे छोड़ें, इस बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। अगर आप नींद की गोलियों का नशा करते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो वीडियो पूरा देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी छोड़ने के लिए। मुझे लगता है कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, मेरी बातों को फॉलो कर लिया, तो आप नींद की गोलियों के बारे में बहुत ज़्यादा जान जाएंगे और इसे छोड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। किसी दूसरे वीडियो या डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, नींद की तीन गोलियां सबसे ज्यादा फेमस है, जिसमें है एल्ट्राक्स, ये मतलब एल्प्राजोलम 0.25 0.5, ये आती है, मतलब एमजीज दो टाइप की आती है, दो कैटेगरी में, ठीक है। और ये अलग अलग कंपनियों की भी आती है। और आती है 81 1 mg, जिसमें होता है लोराजीपाम, जो 1 mg या 2 mg में आता है, और अदर कंपनियां भी इसे बनाती हैं अलग अलग नाम से। और तीसरी आती है क्लोनाफिट, जिसमें होता है क्लोनाजीपाम 0.25 0.50, ये दो वेरिएंट आते हैं इसमें, और ये अलग अलग कंपनियां भी बनाती हैं। तो इनमें से अगर आप कोई भी गोलियां इस्तेमाल करते हो तो मेरी बात समझो, ये तीनों गोलियां एक ही कैटेगरी में आती हैं, इनका काम भी एक ही जैसा होता है, क्योंकि ये सारी नींद की गोलियां हैं, ये एक ही ग्रुप की गोलियां हैं। देखो आदत कैसे पड़ती है इनकी। सबसे ज्यादा देखा जाता है कि जब कोई आदमी किसी लड़की के लव में पड़ता है, फिर उसे धोखा मिलता है या उसका लव पूरा नहीं हो पाता, टेंशन में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, या फिर कोई फैमिली प्रॉब्लम्स है, घर में कोई लफड़ा झगड़ा, पैसे की प्रॉब्लम है, तो इसमें आदमी बहुत ज्यादा टेंशन में आता है, डिप्रेशन में रहने लगता है। और इसी वजह से उसके जो दोस्त वगैरह होते हैं, जो पहले ऑलरेडी नींद की गोलियां खा चुके होते हैं, वो सलाह देते हैं कि नींद नहीं आ रही, टेंशन में हो, रोते रहते हो, तो नींद की गोली खा लो, सो जाओगे, कोई टेंशन नहीं, एकदम टेंशन फ्री हो जाओगे। अब आदमी जाता है किसी मेडिकल पे, एक गोली अपने हिसाब से खरीद लेता है, खा लेता है, सो जाता है, फिर अगले दिन का क्या, उस दिन तो सो गया, फिर अगले दिन फिर उसको टेंशन रहेगा ना, तो अगले दिन फिर जाके एक गोली खाएगा, फिर कुछ दिनों में एक गोली से दो गोली, तीन गोली, चार गोली, इस तरीके से डोज बढ़ती जाती है। यहां तक कि मैंने देखा है 60 60 टेबलेट खाने वाले लोगों को, मतलब दिन भर में 60 टेबलेट शिफ्ट बाय शिफ्ट, जैसे कि दो दो चार चार घंटे पे खाते रहते हैं, दो दो चार चार गोली, इस तरीके से 60 गोली खा डालते हैं पूरे 24 घंटे के अंदर। और दूसरा तरीका ये होता है कि जब आदमी टेंशन या डिप्रेशन में होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, एलोपैथिक डॉक्टर के पास। और एलोपैथिक डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उसका टेंशन या डिप्रेशन कम करने के लिए 2 से 3 टाइप की नींद की गोलियां चलाते हैं अलग अलग टाइम में। अब सुबह, दोपहर, शाम, तीनों टाइम नींद की गोलियां चलेंगी तो आदमी नशे में रहेगा, सोता रहेगा, तो उसको टेंशन कहाँ से होगा। लेकिन जब ये दवाइयां नहीं खाएगा तब वो टेंशन और डिप्रेशन कहाँ से गायब होगा। मैं एकदम एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपको डिप्रेशन है तो कोई साइकाट्रिस्ट, कोई दिमाग का डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता, उल्टा वो आपको बीमार कर देगा, क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो नींद की गोलियां ही चलाते हैं। तो फिर आदमी जाए कहाँ? देखो, इसके लिए आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, वो जो सलाह देते हैं, आपके माइंड को वास करते हैं, बातें कर करके आपको समझाते हैं चीज़ें, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, लेकिन नींद की गोलियां लिखी हुई ना खाएं, बाकी उसकी बातें माने जो भी वो एडवाइस करता है, और यूट्यूब पे मेरे जैसे कोई वीडियो देख ले, उससे हेल्प मिल जाती है। और कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको बताऊंगा जो इन सबके पास, किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं होगी। तो आपको सबसे पहली बात तो ये करना है नींद की गोलियां छोड़ने के लिए, कोई भी नींद की गोली ले रहे हो आप, कोई भी, आप सबसे पहले अचानक ना छोड़ो, अचानक कभी भी ना छोड़ो, नहीं तो जान भी जा सकती है, समझ लो पागल हो सकते हो आप। तो इसके लिए अगर आप, मान लीजिए आप 20 गोलियां खा रहे हो, तो आप पहले दिन से 2 गोलियां घटाओ, 18 गोली खाओ, फिर अगले दिन 1 गोली घटाओ, फिर 1 गोली घटाते 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 आप 15 20 दिन में 2 गोलियों पे आ जाओगे। और जब 2 गोलियों पे आप आ जाओगे तो ये 2 गोलियां आप कुछ टाइम तक लेते रहना, 15 से 20 दिन केवल 2 टेबलेट, और उसके बाद कोशिश करना कि 1 गोली खाने लगो, 1 2 हफ्ता रुक के 1 गोली खाने लगो। और फिर जब 1 गोली पे आ जाओ तो 1 दिन छोड़ छोड़ के गोलियां खाओ, भले ही 1 दिन ना सो पाओ कोई बात नहीं, लेकिन 1 दिन छोड़ छोड़ के गोलियां खाओ। फिर धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, फिर हफ्ता भर, जिस दिन हफ्ता भर आप गैप ले ले और नींद की गोली नहीं खाए, और आपको
एक से 2 घंटे के आसपास नींद भी आ गई, आप उस दिन के बाद एकदम छोड़ दे, ले ही ना उसे। और इस बीच में आपको करना क्या क्या है कि आप डिप्रेशन से दूर रहें। सबसे पहली चीज तो यह है, नींद तो बाद की बात है, या थोड़ी देर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिप्रेशन से बचना है, क्योंकि ये डिप्रेशन जो होता है ये नींद की गोलियों तरफ खींच के रहता है, जो छोड़ने नहीं देता। तो इससे बचने के लिए सबसे पहली बात तो आपको बिजी रखना है किसी काम में। जो भी आप काम करते थे डिप्रेशन से पहले, वो काम करें या नहीं करते थे तो कुछ करो। स्टूडेंट हो तो पढ़ाई वगैरह करो, एक्सरसाइज करने लगो, रनिंग जाओ, साइकिलिंग करो, अपने पॉजिटिव फ्रेंड्स से मिलो जो निगेटिव बातें नहीं करते हैं, उनके साथ टाइम बिताओ और फैमिली के साथ टाइम बिताओ। इस तरीके से आपका माइंड फ्रेश होगा, सही लोगों से बातचीत करोगे, और जो मेहनत करोगे एक्सरसाइज वगैरह, तो बॉडी थकेगी, जिससे कि आप रात में सो पाओगे। क्योंकि ये जो नींद की गोलियों खाने की आदत है, ये बहुत जल्दी आपकी जिंदगी खत्म कर देगी, कुछ करने लायक नहीं बचेगी। क्यों, मैंने देखा है इसमें कि लोग भूल जाते हैं, बात करते करते भूल जाते हैं किस टॉपिक पे हैं, कल क्या हुआ ये याद नहीं रहता, खत्म हो जाती जिंदगी, और ये कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि इनका जो दिन होता है इसमें आधे से ज्यादा दिन तो निकल जाता है नींद की गोलियां ढूंढने में। एक मेडिकल पे नहीं मिली तो दूसरे मेडिकल, यहाँ तक कि लोग 30 30 40 40 किलोमीटर दूर जाते हैं नींद की गोलियां लेने, अगर उनके एरिया में नहीं मिलती तो। कितना ज्यादा टाइम बचेगा, आप कुछ कर पाओगे लाइफ में, सेटल हो पाओगे, अपना खर्चा चला पाओगे, अपनी फैमिली का खर्चा चला पाओगे, या पढ़ाई वगैरह करते हो तो लाइफ में कुछ बन पाओगे। नहीं तो अगर नहीं छोड़ा तो आप जवानी में हो तो बुढ़ापे तक आप इस्तेमाल करते रहोगे, सॉरी बुढ़ापे तक पहुंचोगे नहीं, उससे पहले ही मर जाओगे, ये समझ लो आप। तो जो मैंने तरीके आपको बताए यही सबसे अच्छे तरीके हैं, घूम फिरा के डॉक्टर्स यही बताते हैं और इनकी गोलियां देते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं छोड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप छोड़ें, और साथ में मैं आपको एक काढ़ा बता रहा हूँ जिसको आप रोज पिए, इससे आपका दिमाग में जो भी सूजन होगी नसों में, ठीक है, तो वो सब ठीक हो जाएगी, शांत हो जाएगी, नींद भी अच्छी आएगी, दिल कंट्रोल में रहेगा, आपको अंदर से एक हिम्मत मिलेगी। तो इस नुस्खे के लिए आपको लेना है, देखिए ये जो जड़ी बूटियां मैं बताऊंगा ये आप दुकान से खरीद के रख लेना, 100 100 200 200 ग्राम। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आबरेसम लेना है, इसकी 3 4 पंखुड़ी, ये फोटो दिख रहा होगा आबरेसम का, इसकी 3 4 3 4 आबरेसम लेना, और 5 ग्राम के आसपास गौजवान लेना, 5 ग्राम के आसपास अर्जुन की छाल लेना, ब्राह्मी लेना 5 ग्राम, और शंखपुष्पी लेना 5 ग्राम। इन सब चीजों को 2 गिलास पानी में आपको पकाना है, और जब ये पानी आधे गिलास के आसपास बचे आप इसको छान लो, और छानने के बाद इसमें थोड़ा सा शहद मिला लो, 1 से 2 चम्मच, और फिर इसको आप ठंडा करके पी लो या गुनगुना पी लो, 2 टाइम ऐसा करना है। अब ये जो काढ़ा आपने उबाला है तो ये जो जड़ी बूटियां बची है फेंकना मत, आप सुबह उबाला है तो शाम को फिर से इसमें पानी डाल के उबालना, क्योंकि इसमें कुछ तत्व तो रह जाते हैं जो दोबारा में निकल आते हैं, ठीक है। फिर फेंकना है इसको, फिर अगले दिन दोबारा सुबह जो है यही जड़ी बूटियां इतने इतने ही ग्राम निकालना जितना मैंने बताया है, ये इस्तेमाल करते रहना, मिनिमम आप 1 से 2 महीने इस्तेमाल करो, फिर देखना कैसे आपकी नींद आती है, कैसे आप जो है नशे से दूर रह पाते हो। क्योंकि आदमी जब भी नशा करता है तो छोड़ता है तो उसकी पूरी बॉडी दर्द करती है अलग अलग तरीके से, अगर वो सोता भी है सो नहीं पाता, कुछ कुछ मिनट में जग जाता है, और जो भी सोता है जितने मिनट तो उतने गंदे सपने में जाता है कि वो सोने के बाद जग जाता है तब भी उसे लगता है कि मैं सपने में हूँ, रियल और सपने के बीच में फर्क नहीं कर पाता, ठीक है। तो बहुत फायदा होगा इन चीजों से जो मैंने आपको बताया, आप ट्राई करो। अगर आप चाहते हो तो मैंने जो 3 टाइप की नींद की गोलियां बताई इस पे अलग अलग से भी वीडियो बना दूंगा, और एक कैप्सूल आता है स्पाजमो पैराक्सीपान, बहुत लोग इसका नशा करते हैं, तो आप चाहोगे तो मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा। कोरेक्स सिरप जो आती है इस पे इसका बहुत सारे लोग नशा करते हैं और वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट करें, मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा। कोई भी नशीली चीज को छोड़ नहीं पाते, उसकी आदत कैसे पड़ती है, ये सब बताऊंगा मैं अलग अलग वीडियो में, बस आप कमेंट करके बताओ तो कि आपको क्या चाहिए। तो मेरे हिसाब से आज मैंने जो बताया ये आपकी समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल, जिससे मैं इस टाइप के वीडियो बनाता रहूं और आपको हेल्प मिलती रहे।
मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है कोई वीडियो आपके काम का हो, कोई वीडियो काम का ना हो, जो काम का हो उसे पूरा देखा करें। ठीक है, तो फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट।